मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ से पूर्व सांसद लालजी टंडन का मंगलवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। लालजी टंडन के बेटे और यूपी के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबूजी नहीं रहे। सोमवार देर रात ही उनकी हालत फिर बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। बता दें कि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को बीते 11 जून को सांस लेने में परेशानी, बुखार और पेशाब में दिक्कत के कारण लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।